दोस्तों, कॉल और पुट की स्ट्राइक प्राइस को रियल टाइम में कैसे निकाला जाता है, कहां से निकाला जाता है, और हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ हम आपको कॉल और प्राइस, कॉल एंड पुट यानी कॉल सी यानी पुट पी, जिसको सिंबल है उसको यूज करने का एक्चुअल तरीका हम लाइव मार्केट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज आप जानेंगे, साथ ही साथ हम स्टॉक ऑप्शंस के भी कॉल एंड पुट के बारे में बात करेंगे, और हम उसके प्रीकॉशंस क्या होता है यानी रिस्क टू रिवार्ड, यानी कहाँ पे आपको रिस्क है और किस जगह पे आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लेना चाहिए, वो सारी बातें हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कहाँ पे किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको एंट्री लेनी चाहिए और वो टाइमिंग क्या होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है ये बेसिक वीडियो हो, लेकिन खास तौर से ये स्टार्टअप और न्यू बिगनर्स के लिए है जो कॉल पुट में स्ट्राइक प्राइस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। तो मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मजा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कॉल पुट की स्ट्राइक प्राइस को समझने का तरीका थोड़ा सा आसान भी है, एक्चुअली ये ऑप्शंस है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है जब हम किसी स्ट्राइक प्राइस को ये नहीं समझ पाते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस को कहाँ पे और कैसे निकाले, और वो स्ट्राइक प्राइस एक्चुअल में किस जगह पे काम आने वाली है। तो दोस्तों, हम आज हम बात करेंगे कि क्या आप स्ट्राइक प्राइस को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप कॉल या पुट कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कॉल को कॉल और पुट को पुट क्यों बोलते हैं। और साथ ही साथ हम कॉल और पुट के ऊपर काफी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज हम रियल टाइम में लगा के दिखाएंगे कि एक्चुअली अगर आप कॉल ले रहे हैं किसी भी चीज की, कॉल को ले रहे हैं यानी कॉल मतलब सी बाई कर रहे हैं। अगर हम ऐसे आपसे पूछे कि अगर आप सी बाई कर रहे हैं, जैसे सपोज मैंने सी बाई किया हुआ है, देखिए ये मेरे रन टाइम पे एग्जाम्पल है, सॉरी मेरी रन टाइम पे लगी हुई है रियल टाइम पे। और अगर आप पुट बाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यानी कि आपको ये भी समझना होगा, ठीक है। अगर आप कॉल कब लेते हैं, पुट कब लेते हैं, देखिए आप कॉल कब लेते हैं जब यानी कि सी को कब बाई करते हैं, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और आप पुट को कब बाई करते हैं जब आपको लगेगा मार्केट नीचे जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पुट आप तभी लेते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो आपको पुट अगर आप खरीदते हैं तो आपको वहां पे उसके फायदे मिल जाते हैं, यानी कि आप कोई कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे लेते हैं तो वो स्ट्राइक प्राइस आपको बढ़ करके मिल जाती है। उसी तरह से आप कॉल जब लेते हैं तो तब लेते हैं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है, और पुट आप जब लेते हैं जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आपको डिटेल में जानना है कॉल और पुट के बारे में, तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि अभी हम मुझे ये लग रहा है, जस्ट सपोज मैं अभी एक न्यू हूं, मैं यहाँ पे जीरो हूँ, और जस्ट सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे देख रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि यहाँ पे मुझे अभी कुछ नहीं पता है। अभी जस्ट सपोज मैंने 9 बजे मार्केट ओपन किया और मुझे ये लगा कि आज अभी इस वक्त जो टाइमिंग हो रहा है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट यहाँ से कम 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। जस्ट सपोज मुझे मैंने ये मैंने कैसे किया, मैंने अपनी एक एनालिसिस करी और अपने कुछ डेटा के बिहाफ पे, और मैंने कुछ एक स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक है। ये कि आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको एक फॉलो करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, एनालिसिस करने पड़ेगा, तब आपको जाकर के निकालना पड़ेगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, तब आप जाके कॉल या पुट को बाई करिए, ठीक है। आप कॉल को तभी बाई करिए जब आपको पूरा का पूरा एनालिसिस आपके हिसाब से काम करने वाला हो, आपको पूरा का पूरा अज्यूम हो रहा हो कि हाँ अब मार्केट जाके ऊपर यहां से बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर बढ़ेगा, तो आप जो है आप वहां पे कॉल बाई करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अब मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट मैंने ये सोचा कम से कम मार्केट 1% ऊपर जाएगा, ठीक है, या मुझे ने सोचा 2% ऊपर जाएगा, ये अपनी अपनी एनालिसिस है। जब मैंने ये सोचा कि मार्केट 1% ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ पे कॉल लिया। और कॉल के बारे में तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कॉल बाई करने का फायदा होगा। अब देखते हैं कि चलिए हम निफ्टी के, अब देखिए कॉल जो है दो तरह के होते हैं, सॉरी इंडेक्स, इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है निफ्टी इंडेक्स और होता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। एक्चुअली यही दो इंडेक्स पॉपुलर है, बट एक और आ चुका है फिन निफ्टी, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम है, अभी ये एकदम नया है, लेकिन जो पॉपुलर है मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा, ठीक है।
बैंक और निफ्टी के लिए अगर आपको लगता है कि अभी जैसे मार्केट चल रहा है 15,000 के समथिंग पे, 15,300 का अभी का स्ट्राइक प्राइस है, अभी आप रियल टाइम पे देखते हैं तो यहाँ पे 15,000 चल रहा है। लेकिन मैं ये एक एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अज्यूम, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जब मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे अभी मुझे कोई एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस कॉल खरीदनी होगी जो यहाँ पे जो है मुझे कम पैसे भी मिले। मतलब हमारी एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हमें कॉल जो है एक मिनिमम स्ट्राइक प्राइस पे लेनी चाहिए, यानी कि जो है जो जो एट द मनी का प्रीमियम है, यानी कि जो 15,000 पे चल रहा है, 15,300 चल रहा है, उसी के आसपास या उससे नीचे की हम प्रीमियम बाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने एक यहाँ पे निकाला और ये है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक्सपायरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और ये एक्सपायरी की डेट है 18 फरवरी, और ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किसका निकाला, निफ्टी का निकाला। आप ठीक है, अगर आपको बैंक निफ्टी का देखना है तो अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप जब करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा इसका बेस्ट व्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन चेन मिल जाएगी, और यहीं से आप जो है स्ट्राइक प्राइस बड़े आराम से निकाल सकते हैं किसी भी ऑप्शन की। अब जैसे चल रहा है कि निफ्टी चल रहा है 15,300 पे, अब 15,300 पे जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है 133 रुपए। अब ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो आप स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे जो होगा, यहाँ का डेटा होगा, और जहाँ पे एक्चुअल में आप वॉच लिस्ट में लगाएंगे वहां के थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेशन थोड़ी सी लेट आती है। तो हमें क्या करते हैं, देखते हैं कि हम देखते हैं छोटा सा एक प्रीमियम निकालते हैं अपने हिसाब से। जैसे हम, मैं यहाँ से थोड़ा सा एट द, अब मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा और ऊपर की तरफ भागेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल को बाई करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं 15,000 एक छोटा प्रीमियम लेते हैं, 15,500 का एक प्रीमियम लेते हैं। तो 15,500 की क्या लेंगे हम, जस्ट सपोज 15,500 की क्या लेंगे हम, यहाँ पे कॉल लेते हैं एक लॉट, वन लॉट हम इसकी बाई करते हैं, बाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, टाइप करना होगा निफ्टी 15,500 CE टाइप करना होगा। अब यहाँ पे देखिए आ जा रहा है एक्सपायरी डेट, देखिए यहाँ पे एक आ रहा है एक्सपायरी डेट किसकी, यानी कि ये वीकली एक्सपायरी लेनी है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी चुन सकते हैं, या मंथली अगर आपको होल्ड करना है तो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी का भी ऑप्शन है। और देखिए मंथली एक्सपायरी चूज करेंगे तो वहां पे अपने हिसाब से जो है, देखिए यहाँ पे फरवरी आ गया, लेकिन हम वीकली एक्सपायरी चूज करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। अब इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जो इसका स्ट्राइक प्राइस है 28 का है। अब वहां पे आप देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे कितना था, 15,500 का यहाँ पे 36 था। देखिए मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे जो है डेटा है वो थोड़ा सा लेट अपडेट होता है, तो यहाँ पे मत जाइए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसको देखिए यहाँ पे बाई करने का सिंपल तरीका, मुझे इसको बाई करना है, तो यहाँ पे बाई पे यानी क्लिक करेंगे, और देखिए जो लॉट साइज है वो बाई डिफॉल्ट होता है, यानी कि अगर 75 से नीचे आप क्वांटिटी नहीं ले सकते, तो 75 से ऊपर हमें क्वांटिटी लेना है तो सीधे सीधे लॉट साइज डबल हो जाएगा, या तीन लॉट लेंगे तो ट्रिपल हो, इस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। अब क्या करना होगा, हमें एक स्ट्राइक प्राइस सपोज, जस्ट सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे बाई करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, 75 जो होगा 75, और जो उसका प्रीमियम चल रहा होगा मार्केट वैल्यू, देखिए प्रीमियम कितना चल रहा है 28.35 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी आप उस उतने अमाउंट का ये प्रीमियम यहाँ पे बाई करेंगे, तो ये अमाउंट बाई हो जाएगा। जस्ट सपोज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने मेरी एक रन टाइम में पोजीशन चल रही है ये 15,300 की, सॉरी ये तो मैंने सेल किया रखा है, मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पोजिशन को बाई कर रखा है 15,350, 15,350 को अगर यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाऊं, ठीक है, निफ्टी 15,350 CE, अब यहाँ पे डेट भी डाल दीजिएगा 18 फेब, यानी कि मैंने वीकली ऑप्शन, देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए यहाँ पे इसका जो प्रीमियम चल रहा है 84 रुपीज का चल रहा है, देखिए, और यहाँ पे मैंने इसको कल को बाई कर रखा था, और तो यहाँ पे मुझे देखिए यहाँ 60 का 3 रुपीज, सॉरी 600 का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, और इसको मैंने सेल कर रखा था, देखिए यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे पुट, मैंने यहाँ पे एक पुट बाई कर रखी थी मॉर्निंग में 138 रुपीज की पी, यहाँ पे मुझे 4,000 का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, ये जो कि रन कर रहा है, ठीक है। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कॉल को कैसे लगाते हैं, पुट को कैसे लगाते हैं। अब कॉल को कब लगाते हैं, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे पुट लगाना है, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा यार यहाँ से मार्केट गिर,
है तो मार्केट गिर सकता है तो हम क्या खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे। अब पुट खरीदेंगे तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन्स पे आ जाते हैं। ऑप्शन चेन पे आने के लिए सिंपल सिंपल सा तरीका है, जब आप निफ्टी की यहाँ पे जाएंगे तो ऑप्शन चेन लगाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई जो लेफ्ट, देखिए हमने राइट की तरफ जो था, सॉरी लेफ्ट की तरफ था वो कॉल ऑप्शन था यानी सीई था, और हमारे राइट की तरफ यानी इधर की तरफ जो ऑप्शन है ये वाला जो है, ये राइट वाला, देखिए राइट वाला है पुट ऑप्शन, और ये वाला है लेफ्ट वाला है कॉल ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप कॉल, यहाँ पे आप सारे कॉल के स्ट्राइक प्राइस देखेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे पुट के स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई, आपको होपफुली समझ में आ गया। अब यहाँ पे मुझे पुट का निकालना है, कॉल का तो मैं निकाल चुका हूँ, अब मैं पुट का निकालता हूँ। तो अब मुझे लगता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, करेक्ट होगा। तो मैं जस्ट सपोज मैं अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे 15,250 की क्या कर लूंगा, पुट ऐड कर लूंगा, और किस स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वीकली ऑप्शन लेना है। वीकली ऑप्शन किसका है, ये देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं। वीकली ऑप्शन मैंने दिखाया है 18 फरवरी की एक्सपायरी, 18 फरवरी की जो एक्सपायरी है उसका ऑप्शन लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निफ्टी की यहाँ पे टाइप करेंगे, निफ्टी, निफ्ट जो, अगर आपको निफ्टी लेना है तो यहाँ पे निफ्टी टाइप करना पड़ेगा, और बैंक निफ्टी लेना है तो बैंक निफ्टी टाइप करेंगे। निफ्टी 18 फरवरी की, तो हम यहाँ देखिए हम 18 फरवरी, और यहाँ पे चुपचाप इसको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे आके ऐड हो गया, देखिए अब कितना आ रहा है, 89 रुपीज। अब यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, अब यहाँ पे बाई के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का जो एक लॉट साइज आ रहा है वो 25 रुपीज का आ रहा है। जस्ट सपोज यहाँ पे हम देखते हैं जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 रुपीज का है। इसी तरह से निफ्टी का जो लॉट साइज था कितना था, 75, निफ्टी का यहाँ पे कितना था, 75 रुपीज था। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का कितना है, यहाँ पे 25 रुपीज है। अब 25 रुपीज को आप जो है यहाँ पे जो अगर मार्केट प्राइस पे लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस चूज करना है, तो यहाँ पे आप 25 को जो है सपोज 87 चल रहा है, तो 87 को आप, सॉरी 88 चल रहा है, तो उसको 85 से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आएगा उसका आपको उतना प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। सपोज अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं वेट करेंगे, और वेट करेंगे तो आप जो है लिमिट ऑर्डर डाल दीजिए। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू आप बाई कर सकते हैं। सपोज आप इसको 50 रुपए पे लेना चाहते हैं, तो आप जब भी इसको 50 रुपए पे करेंगे तो जब भी ये इसका स्ट्राइक प्राइस 50 रुपए पे आएगा, ये ऑर्डर अपने आप बाय हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से आपको कॉल को दिखाते हैं, तो सॉरी कॉल दिखा दिया, आपको पुट को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे पुट को आप देखने के लिए आप सेम चीज कर देंगे। मान लिया मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगा, तो मैं यहाँ पे 500 पॉइंट नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का 38,500 का पुट जो है मैं बाई कर लेता हूँ। दोबारा से लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे एनएससी या डेरिवेटिव में जाइएगा आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड की, सॉरी यहाँ पे बैंक निफ्टी, थर्टी थाउजेंड, थर्टी, सपोज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा एक्चुअली नीचे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी इतना ज्यादा नीचे गिर सकता है, तो मैं या आप स्ट्राइक प्राइस कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 35,000 मान लिया, सपोज 500 लगाता हूँ, तो यहाँ पे वही चीज मुझे टाइप करनी होगी, यहाँ पे टाइप करना होगा बैंक निफ्टी 35,500 की हमें अब लेनी है, पुट लेनी है। तो पुट लेने के लिए हमें पीई टाइप करना पड़ेगा, और हमें डेट टाइप करनी पड़ेगी 18 फेब। 18 फेब इसलिए क्योंकि हम वीकली ले रहे हैं, अगर मंथली ले रहे हैं तो हमें कोई भी वहां पे सिर्फ मंथ की स्ट्राइक प्राइस डालनी पड़ेगी। देखिए ये हो गया, ये तो आ गया, ठीक है। बैंक निफ्टी का कॉल लग गया, पुट लग गया। पुट बाई करने के लिए आपको सेम प्रोसेस, वही बाई पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस लगी है बाई कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरी रन पोजिशन यहाँ से यहाँ पे पुट की चल रही है। जैसे मैंने 15,000 की निफ्टी की पुट बाई की थी सुबह 138 रुपए पे, 138 रुपए 45 पैसे पे। अब यहाँ पे मुझे करीब 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और दूसरी तरफ मुझे 15,000 पुट, 50 की पुट्स को सेल किया था, तो मुझे 7,000 का लॉस दिख रहा है। ठीक है, ये मेरी पोजीशन रनिंग में है, मैंने लाइव टाइम में आपको लर्न करके दिखाया। अब ये तो हो गया इंडेक्स का, अब इंडेक्स का हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं स्टॉक का, स्टॉक का चूज करने के लिए यहाँ पे सिंपली जाइए, यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है, ठीक है, इस सिंबल को ड्रॉप डाउन लिस्ट में टाइप करिए। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स एनएससी और एफएनओ में होंगे तो वहां पे इनके सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस आ जाएंगे। जस्ट सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, कोई भी स्ट्राइक प्राइस रैंडमली चूज कर लेते हैं, और रैंडमली चूज करते हैं, जैसे कि मैं आईसीसीआई बैंक का चूज कर लेता हूँ। आईसीसीआई बैंक का ये
आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात होगी, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्टॉक के लिए, कि इसमें केवल मंथली एक्सपायरी होती है, इसमें नो वीकली एक्सपायरी नहीं होती है स्टॉक में, इसमें मंथली एक्सपायरी होती है। तो बाय डिफॉल्ट आप मंथली आ जाएगा, या फिर आप जो है यहाँ पे एक चीज और आ जाएगा, यहाँ पे 3 महीने की एक्सपायरी होती है, यहाँ पे मैक्सिमम आप अप्रैल तक की एक्सपायरी को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं फेब की एक्सपायरी चूज कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ये लगाया किसका चार्ट, मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चक्कर लगाया। अब मुझे आईसीआईसीआई बैंक सेम चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो अभी प्राइस है वो 660 रुपए पे है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है इस महीने तक, जस्ट सपोज मैं क्या मानता हूँ, अज्यूम करता हूँ या अपनी एनालिसिस करता हूँ और ये सोचता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक जस्ट सपोज इस महीने 680 रुपए तक चला जाएगा मंथ एंड तक, ठीक है। तो यहां से अगर 680 रुपए चला जाएगा, यानी कि 20 रुपए बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉल क्या करेंगे, हम एक कॉल बाई करने की कोशिश करते हैं। तो कॉल बाई करेंगे यहाँ पे, तो हम एक छोटी सी कॉल बाई कर सकते हैं इसकी। मान लिया कि हम 700 रुपए की कॉल बाई इसलिए कर लेते हैं कि थोड़ा सा हमें उसके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर करना पड़ेगा, यानी एग्जैक्टली आप एट द मनी पे करते हैं तो आपको काफी रिस्क होगा। यहाँ पे देखिए रिस्क काफी ज्यादा होता है, और जैसे ही एट द मनी पे काफी रिस्क होता है, आप डीप मनी जाते हैं तो वहां पे रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप डीप मनी जाएंगे तो यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप एट द मनी पे रहते हैं तो रिस्क थोड़ा सा कम रहता है, एट द मनी के नीचे रहता है, सॉरी आउट द मनी रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैं आउट द मनी लेता हूँ, आउट द मनी जैसे 710 रुपए का एक प्रीमियम आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पहले जो स्टॉक लेने जा रहे हैं उस स्टॉक का हमें क्या करना पड़ेगा, नाम टाइप करना पड़ेगा। हम लेने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, हमें कितना टाइप लेना है, स्ट्राइक प्राइस हमें लेना है 700, हमने चूज किया 720, 701 रुपए पे खरीदना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 1 रुपए लिमिट ऑर्डर डालकर को डाल देंगे, और जब ये इसका 1 रुपए स्ट्राइक प्राइस आएगा ये अपने आप बाई हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दो मोटा मोटी बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी है कि कॉल को हम कैसे लगाते हैं, पुट को कैसे लगाते हैं। आप देखिए मैंने इस स्टॉक को लगा के दिखा दिया आपको, बैंक निफ्टी को लगा के दिखा दिया, हमने निफ्टी को लगा के दिखा दिया, तीन चीजें आपको कॉस्टली बता दी, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस बता दिए, स्टॉक की कॉल बता दी हमने, स्टॉक की पुट बता दी, और निफ्टी की पुट बता दी, निफ्टी की कॉल बता दी। अब है आप देखिए यहाँ पे आते हैं प्रीकॉशन। प्रीकॉशन का मतलब अगर ये मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में आप क्या करने के, डू नॉट ट्रेड। अब मार्केट वोलेटाइल कैसे है, मार्केट वोलेटाइल वोलेटिलिटी कैसे पता लगेगी, मार्केट वोलेटिलिटी ऐसे पता लगेगी, मान लिया मार्केट अभी 150 पॉइंट ऊपर की तरफ खुलता है और सीधे सीधे जो है 300 पॉइंट नीचे गिर जा रहा है, या फिर जो है कभी 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो कभी 70 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो कभी जो है 80 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो कभी जो है 200 पॉइंट नीचे आ जा रहा है। यानी कि ऐसी कंडीशन में जहां पे कोई भी मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट की डायरेक्शन जो है मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो वहां पे क्लियर नहीं है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, अवॉइड ट्रेडिंग। वहां पे आप ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए, वहां पे आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि ऐसी जगह पे अगर आप ट्रेड लेते हैं, निफ्टी में लेते हैं, बैंक निफ्टी में लेते हैं, या किसी स्टॉक्स में लेते हैं, आपको चांस होगा हाई हाई रिस्क, यहाँ पे मैं देखता हूँ वेली हाई रिस्क नहीं हाईली रिस्क, तो वहां पे आप जो है वहां पे आप ट्रेड मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो एक दूसरा फैक्टर आता है वो टाइमिंग का आता है, आप किस टाइम पर चूज करें कि जहां पे आपका स्ट्राइक प्राइस जो है सबसे कम पे मिले, अगर आप बायर्स हैं, ऑप्शंस बायर है और आप जो है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं। देखिए उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको मार्केट की क्या होती चाहिए, एनालिसिस पता होनी चाहिए, यानी एनालिसिस ये पता होनी चाहिए कि आप जो है एक अपनी अच्छी से एनालिसिस करें कि यार पूरे वीक मार्केट कैसा होने वाला है, ठीक है। जैसे सपोज अगर देखिए एवरी फ्राइडे को मार्केट स्टार्ट होता है, एवरी फ्राइडे को मतलब एक एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है किसके लिए, इंडेक्स ऑप्शंस के लिए। तो वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको ये अज्यूम करना है ये पूरे हफ्ते मार्केट का जो है स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। जस्ट सपोज जैसे निफ्टी 15,300 पे चल रहा था, अब मैंने आपको ये लगा कि यार 15,300 निफ्टी बहुत ज्यादा चल गया है,
अब थोड़ा सा ये डाउन जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहां पे पुट को जो है बाई करने की कोशिश करिए, या फिर आपको लगेगा नहीं निफ्टी यहां से और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 15,000 यानी 600 तक जा सकता है, या 300 पॉइंट और जा सकता है, या 700 पॉइंट और जा सकता है, तो वहां पे आप कॉल को बाई करने के लिए सोचिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, नॉट सेल की, नॉट सेल के लिए बोल रहा हूँ। सेल करने के लिए बहुत ही हाई रिस्क होता है, डू नॉट सेल, डू नॉट सेल ऑप्शन। मैं तो ये बोलता हूँ कि ऑप्शंस को आप सेल ही मत करिए, क्योंकि वहां पे आपके रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत हाईली रिस्क हो जाएगा, और वहां पे आपको जो है लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो डू नॉट सेल ऑप्शन। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज होती है कि देखिए मैंने आपको सारे बता दिए, रिस्क टू रिवार्ड आपके हाथ में है। रिस्क टू रिवार्ड का मतलब ये होता है कि आप किस स्ट्राइक प्राइस पे बाई करें कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। देखिए उसके लिए है कि मार्केट सुबह सुबह 9:15 पे जब खुलता है तो आप कम से कम जो है 10 बजे तक वेट करेंगे। आप जो है आप कोई भी पोजिशन बनाने के लिए आप मिनिमम आफ्टर 10 PM, सॉरी 10 AM के बाद ही पोजिशन, आफ्टर 10 AM के बाद ही पोजिशन बनाए, तो वहां पे आपके जो है चांस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे कि मतलब वो उस जगह पे आपको प्राइस थोड़े से मतलब आपकी वहां पे एक्चुअली मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो ये फैक्टर है थोड़े से। आपको अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मार्केट को समझिए।